والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل एक सौ तीन आयतें हो चुकी हैं ये सूरतुल अनाम की, ये 104 आयत है और पांचवी और छठी और सातवीं। इससे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने कुदरत के दलाइल बयान फरमाए थे और उसमें यह भी फरमाया था कि जो लोग दुनिया में अल्लाह तबारक ताला को देखना चाहते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपने आँखों से नहीं देखेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, तो उनको बताया गया कि तुम्हारी आँखें अल्लाह तबारक ताला को नहीं देख सकती। दुनिया में तो कोई भी अल्लाह तबारक ताला को नहीं देख सकता इसलिए कि आँखों में ऐसी ताकत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं कि आदमी आँखों से नहीं देख सकता जब तक और कोई चीज़ उसके आँखों के साथ न लगी हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है आंखों से नज़र नहीं आती हैं तो खुर्दबीन इस्तेमाल की जाती है, माइक्रोस्कोप। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं वो भी नज़र नहीं आती हैं, उसके लिए एक और है उसको दूरबीन कहते हैं, टेलीस्कोप, वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी ऐसे देख नहीं पाता है, जैसे कितने टेस्ट आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट करना है इसमें फलां फलां टेस्ट है, ऐसे सामने रखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा जब तक उसको किसी मशीन में नहीं भर देंगे। आंखें तो हैं ही देखने के लिए लेकिन हर चीज़ नज़र आए ऐसा नहीं, जिन्नात नज़र नहीं आते, इसी तरह से फरिश्ते नज़र नहीं आते हैं, तो बहुत सारी मखलूक नज़र नहीं आती है तो खालिक नज़र कैसे आएगा। लेकिन वादा यह है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह की इबादत करेंगे और उस पर ईमान लाएंगे जन्नत में वो अल्लाह तबारक ताला का दीदार करेंगे। जन्नत में कैसे दीदार करेंगे, अल्लाह तबारक ताला तो वहाँ आँखों में ऐसी ताकत पैदा फरमाएंगे वहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ भी तो फरमा सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं भाई, फिर ईमान बिन गैब कहाँ रहेगा, तो फिर तो यहाँ हर चीज़ नज़र आएगी, जिन्नात भी नज़र आएंगे, फरिश्ते भी नज़र आएंगे, कब्रों के अंदर क्या हो रहा है वो भी नज़र आएगा, किरामन कातिबीन नज़र आएंगे, अल्लाह की पाकजात नज़र आएंगी, तो ईमान किस पर लाएंगे। ईमान बिन गैब तो यही है, इन चीज़ों को मानना है गैब के ऊपर। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों नहीं किया, जाहिर सी बात है फिर ये इम्तिहान न होता। इम्तिहान इसीलिए होगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद करके इन चीज़ों को माना जाए, अगर देख लिया आंखों से तो फिर इम्तिहान कैसे रहेगा, सब लोग मानेंगे, जब सब लोग मानेंगे तो फिर इनकार कौन करेगा, कोई भी इनकार नहीं करेगा। असल तौर अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये अनदेखे और बिन देखे उन तमाम चीज़ों को माने, इसलिए फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला को आँखें नहीं देख सकती, ला तुद्रिकुल अबसार, वो हो इद्रिकुल अबसार, अल्लाह तबारक ताला मखलूक को मखलूक की निगाहों को
तो अपने हाथे में ले लेता है। अल्लाह मुहित, अल्लाह ताला मुहित है, तो यहाँ तो नहीं देख सकती, वहाँ देख सकेंगे। और फिर इससे पहले बहस आई थी एक इदराक एक रुयत, तो रुयत दुनिया में नहीं हो सकती, आखरत में रुयत होगी। इदराक में दुनिया में ना आखरत में, इदराक के माने, इदराक के माने आते हैं किसी चीज़ को अहाता कर लेना और पूरी उसको देख लेना, इसकी बहस पहले आ चुकी थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बाज़ रिवायतों में आता है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा, जाहिर सी बात है उसका इस आयत के साथ कोई टकराव नहीं है, क्योंकि इस आयत में इस दुनिया में देखने की नफ़ी की गई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, वो तो दूसरा आलम था, वो तो ये आलम था ही नहीं, वो तो सात आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा और अर्श मजीद वगैरह वो सब है। तो इसलिए वो रुयत आखिरत की रुयत है, दुनिया की रुयत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ की रुयत के बारे में नफी की गई। अब सवाल ये है कि बताया गया कि दुनिया में आंखों में ऐसी ताकत ही नहीं है, हाँ वो तो आवाम की आंखों में ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मानी मुबारक हमारे आंखों के साथ आप उसका मुआवजा करते हैं, ये तो गलत फहमी है। इसलिए कि हमको जिब्रील भी नज़र नहीं आता, हमको फरिश्ते नज़र नहीं आते, हमको कब्र का अजाब नज़र नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। तो इस तरह से ये पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मान लो तौहीद के दलाइल दिए गए थे और ये फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला को नहीं देख सकूंगा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं बसीरत की चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, अद जाअकुम बसाइर, बसीरत इसके में बसाइर है, इसका मतलब क्या है, यानी तौहीद के दलाइल, अल्लाह तबारक ताला की सिफारिश जलीला का बयान, ये फरमाने के बाद फरमाए इन दलाइल में गौर कर लो, पहले दलाइल बताए फिर बाद में गौर कर लो, फिक्र कर लो, बस बात समझ में आ जाएगी। इसलिए फरमाया कि लोगों यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह तबारक ताला की जानिब से बसीरत वाली चीज़ें आ चुकी हैं, बस सिर्फ अब गौर करने की बात है, गौर कर लो अल्लाह की कुदरत समझ में आ जाएगी। फमन अबसर फली नफ्सी, जो शख्स देखेगा और गौर करेगा, फली नफ्सी ही, तो अपने नफ़ा के लिए, यानी जिस शख्स ने इन दलाइल के अंदर गौर फिक्र कर लिया तो उसने अल्लाह तबारक ताला को पा लिया। कैसे पा लिया, कि अल्लाह ताला वादहु ला शरीक है, इस कायनात का ज़रूर कोई ना कोई बनाने वाला है। अब वह कौन बनाने वाला है, उसकी तशरीह कर दी अंबिया अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक ताला की पाक ज़ात है जिसने दुनिया को बनाया है। और जब वो इस बात पर उसने गौर कर लिया और समझ गया तो वो मुसलमान हो गया, मुवाहिद हो गया, मुतीउ और फरमाबरदार हो गया, अम्बिया अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन करने वाला बन गया, तो उसका नफ़ा उसके लिए है। क्या नफ़ा है, दुनिया में तो वो ईमान वालों में लिख दिया गया और आखिरत में वो उसका हासिल ईमान वालों के साथ होगा, अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी उसको मिलेगी और इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी, अक्ल हैरान हो जाती है। जन्नत का बयान आगे भी आएगा, एक रिवायत में है कि जब ईमान वाले जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, छोटे दर्जे का ईमान वाला, तो गिलमान उनका इस्तकबाल करेंगे। जन्नत के अंदर जो अल्लाह ने गिलमान बना रखे हैं, एक नई मखलूक होगी वो, उसका तज़किरा कुरान पाक में है, हमेशा वो जवान रहेंगे, इस्तकबाल करके उनसे कहेंगे दाखिल हो जाओ, उदखुलु हाबिस्सलाम, सलामती के साथ, फरिश्ते भी सलाम करेंगे, कहेंगे उदखुलु हाबिस्सलाम। अब वो जब देखेगा चारों तरफ कालीन बिछे हुए हैं, यहाँ के कालीन नहीं वहाँ के कालीन, और कितने किलोमीटर तक कालीन बिछे हैं, फरमाते हैं कि अगर आदमी चले तो 500 साल लगेंगे चलने में, कितने 500 बरस चलता रहेगा, तो वो फरिश्तों से कहेंगे कि ये इतने सारे कालीन काहे के लिए बिछाए गए हैं, तो फरिश्ते कहेंगे सिर्फ आपके लिए बिछाए गए, सिर्फ आपके लिए, आपके इकराम के लिए अल्लाह ने बिछाया है इन कालीनों को, वो उन कालीनों पर चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ तक कि अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा जहाँ उसका रहने का मकान है, कि भाई रहो ये तुम्हारे रहने के लिए। इसलिए जन्नत का तसव्वुर दुनिया में नहीं हो सकता, दोज़ख का तसव्वुर भी दुनिया में नहीं हो सकता, क्यों, इसलिए कि जन्नत में कामिल रहमत है अल्लाह की, दोज़ख में कामिल गज़ब है अल्लाह का। इसलिए फरमाते हैं कि दुनिया न महर खुदाबंदी को बर्दाश्त करे न कहर खुदाबंदी को बर्दाश्त करे, अलबत्त महर में थोड़ा सा और कहर में थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा तो दुनिया में आया है और बाकी आखिरत में।
कामिल रहमत दुनिया में नहीं आ सकती, क्यों? दुनिया बर्दाश्त ही नहीं करेगी, ये तो जमीन ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको थोड़ा सा इजहार कर लिया, बाकी छुपा के रखा है। और एक हदीस में अल्लाह तबारक ताला ने 100 रहमतों में से एक रहमत दुनिया में भेजी है, बस एक रहमत। जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, एक रहमत का इजहार किया है। उसी रहमत का असर यह है कि जानवर अपने बच्चों को पालता है, खूंखार जानवर दरिंदा अपने बच्चों को पालता है, खबरगिरी रखता है, उन पर हमला नहीं करता, ऐसे ही अपने बच्चों को दूध पिलाता है जानवर, उनकी माँ उनको दूध पिलाती है, उनका बाप उनके ऊपर जो है वो मेहरबान होता है, इसी तरह से आपस में मेहरबानियाँ जो होती हैं ये उस रहमत का असर है। तो इस तरह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं, और जो उन दलाइल में गौर कर लेगा फरी नफसी ही, तो उसका नफ़ा उसकी जात के लिए है, वह बच गया दोज़ख़ के अज़ाब से। वमन आमिया अलैहा, वमन आमिया फअलैहा, और जो अंधा रहा देखा कुछ भी नहीं, फअलैहा, तो उसका वबाल उसकी जान पर होगा, क्योंकि उसने सिर्फ चीज़ें देखी, गौर नहीं किया, और वह काफिर ही रहा। जब आदमी कहीं भी जाए, आज भी दुनिया में घूमते हैं पहले ज़माने से ज़्यादा, बस देख लिया, ये चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, कोई इबरत हासिल नहीं करते, कोई ताज्जुब नहीं होता है, कोई अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत में इजाफा नहीं होता है। बहुत सारे जवान जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ, भाई क्या क्या देख लिया आपने? कहते जनाब हाथी देख लिया, और फलां देख लिया, और जेबरा देख लिया, और मोर देख लिया, फलां फलां देख लिया। मैंने कहा कि मोर को देखने के बाद कुछ गौर भी किया नहीं, मोर को देखने के बाद गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो अल्लाह कैसा कुदरत वाला है, देखो मोर को कैसे बनाया है, और इतना अजीब गरीब क्या रंग इस पर किया है, ऐसा रंग चाहे कितने ही साबुन से उसको धुलो वो रंग उसको मिटने वाला नहीं है, ऐसी अल्लाह की कुदरत क्या होगी। कैसे कैसे जानवर बनाए हैं, कैसे कैसे परिंदे बनाए हैं, और परिंदों की हजारों किस्में हैं। तो इस तरह से मखलूक की कितनी किस्में, अकल हैरान हो जाती है। इस तरह से मखलूक को देखे और फौरन खालिक याद आना चाहिए। जिस जो आदमी मखलूक को देखे खालिक याद ना आए तो बेवकूफ अहमक है। और कुरान पाक ने खुद फरमाया कि ईमान वाला जब मखलूक को देखता है हैरान हो जाता है, फौरन कहता है रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला सुभानका फक़िना अज़ाबन नार, ऐ परवरदिगार आपने इस कायनात को फजूल नहीं बनाया, या आपने एक मकसद के लिए बनाया है। उसके बाद फौरन आखिरत का तस्वुर आता है कि जन्नत कैसी होगी, और दुनिया में कोई गजब की चीज़ देखता है तो फौरन घबराता है, अजाब कैसा होगा, तो जुबान से निकलता है फकीना अजाब नार, या अल्लाह दोज़ख़ के अजाब से हमको बचा लीजिए। इस तरह से ये फरमाया कि बसाइर आ चुके हैं लोगों तुम्हारे पास, दलाइल आ चुके हैं, रसूलुल्लाह सल्लम के नबी होने के दलाइल, अल्लाह तबारक ताला के वाहिद होने के दलाइल, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के दलाइल आ चुके हैं तुम्हारे पास, और जो उन दलाइल में गौर कर लेगा नफ़ा उसको पहुँचेगा, जो आँखें बंद करेगा अंधा बन जाएगा, तो उसका वबाल उसको उठाना पड़ेगा। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और आप ये भी फरमा दीजिए उन लोगों से कि भाई मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। निगरान का काम है ज़बरदस्ती मानना, छड़ी उठा के चल कर लो ये काम, नहीं करोगे तो पिटाई करेंगे, ये निगरान का काम होता है। आपने फरमाया हमने आपके ऊपर उनको ऐसा निगरान नहीं बनाया, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम है समझाना, बता देना, पहुँचा देना। और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अंतक कोशिश की कि समझाते रहे, समझा, हर नबी ने ऐसा किया। इसलिए वमा आना अलैकुम हफीज, लोगों मैं तुम्हारे ऊपर निगरान नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती तुमको मनवाऊँ और ज़बरदस्ती तुमसे अमल कराऊँ, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम बताना है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अपने आयात को मुख्तलिफ अंदाज से बार बार दोहराते हैं, अपने वाहिद होने का, और इसी तरह से बुतों के कमज़ोर होने का, मखलूक के आजिज़ होने का, मोहताज होने का, और दुनिया के फना होने का, हम दलाइल अलग अलग देते हैं नए नए अंदाज से। कैसे? वकदालिक नुसर्रिफुल आयात, हम मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं अपनी आयात को, अपनी निशानियों को, दलाइल को, ये हम बयान कर रहे हैं, कभी एक अंदाज, कभी दूसरा अंदाज, कभी एक तरीके से, कभी दूसरे तरीके से। वलियकुनु दरस्त, और इसका एक नतीजा तो ये होगा जब ये ऐसे बातें सुनते हैं, ऐसे दलाइल सुनते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से, कहते हैं दरस्त, कहते हैं कि आपने तो पढ़ लिया है सबक कहीं से,
कहीं से पढ़ के आ रहे हैं ये, वरना तो ये पढ़े हुए कुछ भी नहीं है हमारे साथ, यहाँ इन्होंने जिंदगी गुजारी है, कहीं किसी स्कूल में नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़रूर रात को किसी के पास जाकर वहाँ से सीख के आते हैं और खूब मेहनत कर लेते हैं, मजामीन को याद कर लेते हैं, फिर उन मजामीन को लोगों के सामने बयान करते हैं। वली यकुल दरस्त है। और कभी कहते थे इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कोई शख्स इनको ज़रूर सिखाता है, बिन सीखे और बिन पढ़े ऐसी बातें और ऐसी फसी व बलीग तकरीर कैसे कर सकते हैं। और वहाँ मक्का शरीफ में एक शख्स था, मक्का शरीफ का रहने वाला असल नहीं था, अजम का रहने वाला था, वो लोहार था, वो वहाँ लोहारी का काम करता था, वो औजार वगैरह बनाता रहता था। कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेफाकन उसके पास जाते थे और कुछ उसको दीन की दावत देते थे, तो बाज़ लोगों ने देखा कि लोहार के पास बैठे हुए हैं, कहना शुरू कर दिया कि लोहार इसको समझाता है, लोहार इसको पढ़ाता है। उसका जवाब कुरान पाक ने दे दिया, कुरान पाक ने फरमाया लोगों तुम्हारी अकल पर क्या हो गई, लोहार तो अरबी है नहीं तो अजमी है, ये तो अजमी है, तो और ये कुरान पाक तो अरबी मुबीन है, अजमीयुन वहाज़ा अरबी मुबीन, तो फरमाया कि आप उस अजमी की तरफ उसको नस्बत कर लेते हैं, यदुना इलैही, तो जिसकी तरफ तुम इसको नस्बत करते हो तो अजमी है और ये कुरान पाक अरबी मुबीन है। ये फरमाया कि ये लोग ज़रूर कहेंगे कि आप कहीं से पढ़ के आते हैं, وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, और हम बयान करते हैं इन आयात को, दलाइल को खूब, किसके लिए, जानने वालों के लिए, जानने वाले जानते हैं ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसलिए कि ये शख्स पढ़े हुए नहीं है और ये ऐसी बातें बयान फरमाते हैं जो हम लोगों को भी मालूम नहीं, ये तौरात की बातें बताते हैं, इंजील की बातें बताते हैं, अंबियाए साबिकीन के हालात बयान फरमाते हैं, ऐसे हालात बयान फरमाते हैं गोया कि बिल्कुल वो सारे हालात इनके सामने हैं, ऐसा लगता है कि उन नबियों के साथ वक्त गुजारा है और बिल्कुल उनके साथ रहे हैं, इस तरह से उनके वाकयात बयान करती थी। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो जो मानेंगे नहीं तो छोड़ दीजिए उनको, जो कलाम आपकी तरफ हम भेज रहे हैं और कुरान पाक जो नाजिल हो रहा है आप उसकी इत्तबा कर लें, इत्तबे मा ओहे इलैका मिन रब्बिक, इत्तबे आप इत्तबा कीजिए मा उस कलाम की, ओहे इलैका जो वही किया गया है, भेजा गया आपके तरफ, मिन रब्बिक तुम्हारे रब की जानिब से, आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए और अपने सहाबा किराम को और ईमान वालों को उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन फरमा दीजिए। ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं मगर वही अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप इत्तिबा करते रहें। वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, अब रहा मामला मुशरिकीन का, हम फरमाते हैं कि उनसे एराज कर लीजिए, एराज करने का मतलब यह है कि आप उनके पीछे छोड़ दीजिए कभी और आप गम न किए करें, गम न करें आप, इसलिए कि अल्लाह के नबी सब को बहुत गम होता था, कुरान पाक ने मना भी फरमाया, فَلَعَلَّكَ بَاخِ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, क्या ऐसा लगता है आप अपने जाने अजीज को ख़त्म कर लेंगे गम की वजह से अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, इतना गम आपको क्यों होता है, बहुत गम होता था अल्लाह के नबी सब। एक मरतबा बैठे हुए थे तो सामने से एक जनाजा निकला, तो उसके बाद आप बहुत रोए, तो वो जनाजा यहूदी का था, तो हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सम आप क्यों रोते हैं, उन्होंने कहा कि ये जनाजा सामने से निकला इसलिए मैं रोता हूँ, तो उन्होंने कहा हजरत ये तो यहूदी का जनाजा है, मतलब ये तो दुश्मन खुदा है, ये तो आपका दुश्मन है, इन्होंने आपको इतना सताया है, मतलब तो ये है कि दुश्मन की वफात पर और दुश्मन के मरने पर तो आदमी रोता नहीं है, गमजदा नहीं होता है, बल्कि वो तो खुश होता है कि चलो दुश्मन मर गया, ये तो बहुत सताता था। तो यह जवाब सुनकर आपने फरमाया वो तो मैं भी जानता हूँ कि यहूदी का जनाजा है, लेकिन ये दौजक की तरफ जा रहा है इस वक्त और ये इब्ने आदम है, क्या है ये तो आदम की औलाद है। तो ऐसी हमदर्दी आपको थी कि यहूद इतना सताते थे और फिर भी आपके दिल में ऐसी कुड़न थी कि ये बच जाएं दौजक के अजाब से। और बहुत मरतबा आ चुका कि यहूद ने जहर भी मिलाया गोश्त के अंदर, तो खैबर के मौके पर आपने उनको बुलाया,
फरमा कि मैं आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल जवाब दे देंगे। तो दो तीन सवाल उनसे पूछे, आखिर में ये भी पूछा कि बताओ, ये तो तुमने मुझे दावत की है, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और तुम मेरे मेज़बान हो, तो तुमने इस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया नहीं मिलाया है? उन्होंने कहा मिलाया है। फरमाया क्यों मिलाया है? उस खातून को भी बुलाया गया, जैनब नाम की खातून थी, तो उसे कहा तुमने इसमें जहर मिलाया? उसने कहा मिलाया। कहा क्यों मिलाया? कहा जहर इसलिए मिलाया कि अगर आप सच्चे नबी होंगे तो ये जहर आपको कुछ भी नहीं करेगा, और अगर आपका सिर्फ दावा ही दावा है तो फिर ऐसे शख्स के लिए हम दुनिया में जिंदा देखना नहीं चाहते। तो दूसरा साहबी साथ था, उसने तो लुकमा मुंह में डाला था, तो उसका तो इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सुन भी लुकमा उठा के था, अपने दाढ़ी मुबारक में रखा था, तो फौरन निकाला बाहर। तो आपने फरमाया इसमें जहर है, तो साहबी ने पूछा आपको कैसे मालूम हुआ? कहा गोश्त ने मुझे खुद कहा, गोश्त ने मुझे खुद कहा कि आप मुझे तनावुल न फरमाएं, मुझे मेरे साथ जहर मिलाया गया है। तो बहरहाल उसके बाद तो उन्होंने इकरार किया। आखिरी वक्त में जब अल्लाह के नबी सम का इंतकाल हुआ तो आपने उस मौके पर फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, फरमाया कि आयशा, जो खैबर वालों ने मुझे जहर दिया था और उस वक्त मैंने वो लुकमा मुँह में रखा था, उसका असर इस वक्त वापस आ गया, इस वक्त इतने सालों के बाद वो वापस आ गया वो असर। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे हजरात फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद भी हो गए, कैसे? इसी जहर के खाने की वजह से, यानी ये एक सबब बन गया, तो शहादत भी लिख लेते हैं इसी एतबार से। वो जहर अल्लाह तबारक ने तब तक क्या रखा था, उसके असरात को अल्लाह ताला ने मौकूफ़ रखा था, अब वो आखिरी वक्त आ गया, वो जहर भी रौद करके आ गया। तो इस तरह से आपको बहुत दुख होता था और आप हर वक्त उस कुड़न में रहते थे, तो आपने फरमाया कि है तो ये यहूदी लेकिन ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और फिर आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि अजाब के फरिश्ते इसको ले जा रहे हैं और इसके ऊपर अजाब हो रहा है, अब कब्र में जाएगा तो फिर अजाब हो जाएगा। तो ये मंजर आप देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वा आरिज अनिल मुशरिकीन, एराज के माने आते हैं किसी को छोड़ देना उसके हाल पर, भाई इसको छोड़ दो आप और अपना काम कर लो, ये तो मानेगा नहीं, इसलिए फरमाया छोड़ दीजिए इन मुशरिकीन को, आप ये मानने वाले नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ज़ोर ज़बरदस्ती हर एक को ईमान वाला बनाता, लेकिन अल्लाह ताला ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते नहीं। वलौ शा अल्लाहुमा अशरकू, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये लोग शिरक न करते, ये मुशरिक न रहते, ज़बरदस्ती करके कान पकड़ के हम इनको क्या कर लेते, कलमा पढ़वाते, चल कलमा पढ़ ले, लेकिन हम ये चाहते नहीं हैं। हमने इंसान को इख्तियार दिया है, उसको अकल दी है, फहम फरासत से उसको नवाजा है, फिर दोनों रास्ते उसके सामने रख दिए हैं, इम्तिहान तो तभी होगा, वरना ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर उस्ताद उसे लिखवाएगा पर्चा, चल इसका जवाब ये लिख, चल और एक सतर लिख, तो इम्तिहान ही क्या हुआ? उससे कहेंगे कि भाई ये पर्चा है, इसको हल कर लो, तो पढ़ाने वाले ने तो पढ़ा लिया। इस तरह फरमाते हैं अल्लाह तबारक तआला वलो शा अल्लामा शकु वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, और फिर फरमाते हैं अल्लाह तबारक तआला हमने आपको उनके ऊपर निगरान नहीं बनाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, यानी हमने आप को जिम्मेदार नहीं बनाया कि ज़बरदस्ती उनको कलमा पढ़वाएं, ज़बरदस्ती उनसे आमाल करवाएं, कुछ नहीं, बस आपका काम यह है कि आप पैगाम पहुँचाते रहें, आपकी जिम्मेदारी इतनी है। किसने माना किसने नहीं माना ये आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, अमानता अलैहिम बिवकील, न तो आप उन पर हफीज हैं न तो आप उन पर वकील है। हफीज के माने निगरान, जो किसी चीज़ की हिफाजत कर लेता है, वकील के माने आते हैं जिसके सुपुर्द किसी को कर दिया जाता है कि सियाह और सफ़ेद सब उसके हाथ में है, तो इसीलिए वकील को वकील इसीलिए कहते हैं कि वो एक शख्स के सारे मामलात को और मुकदमात को अपने जिम्मे ले लेता है, उससे कहता है कि तुम रहो तुम्हारी जानिब से मैं हूँ, वह उसकी वकालत कर लेता है। तो इसलिए फरमाया कि वमा अंत अलैहिम बिवकील, आप उनके ऊपर हमने हमको आपको वकील भी नहीं बनाया है, और दोबारा इसका तर्जुमा एक दारोगा भी करते हैं, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, मतलब तो ये कि इनकी जिम्मेदारी आप पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपका जो काम था वो हो चुका है। आगे अल्लाह तबारक ताला एक हिदायत फरमाते हैं ईमान वालों को, क्या ईमान वाले कभी कभी जो है वो गुस्से में आकर बुतों की बुराई बयान करते थे, एक तो बुतों की बुराई बयान की कुरान पाक ने, अल्लाह के नबी समझे, उसका अंदाज दूसरा था, उसका अंदाज
दूसरा था, उसका अंदाज कैसा था? कोई तेज कलामी नहीं, कहीं नाशास्ता अल्फाज नहीं, बल्कि दलाइल के जरिए से दिखाते थे कि ये बुद्ध जो है ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बेजान है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा था लोगों ने, अंत फालत हाजा बि आलतना या इब्राहिम, क्या आपने ये मामला हमारे बुतों के साथ किया? तो आपने फरमाया कि उससे पूछो, बड़े से पूछो। तो अब जब वहाँ बड़े से पूछो, अब वो सोचने लगे कि इसे क्या पूछेंगे, क्या जवाब दे दे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि इससे क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ये जब तुम्हारी बात सुनेंगे, सुन नहीं सकता, बात का जवाब नहीं दे सकता, तो तुम्हारी दुआओं को क्या सुनेगा, तो तुम्हारा क्या भला करेगा। तो तर्दीद तो वो भी हो गई। इससे मालूम हुआ कि जब किसी चीज़ की तर्दीद भी करनी हो तो ऐसे अल्फाज जो जो घिरे हुए अल्फाज हों वो इस्तेमाल आते थे। तो बाज मरतबा बाज सहाबों को गुस्सा आता था तो कुछ कह दिया बुद्ध के बारे में। तो उस पर जो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुम जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर लेते हैं, बुतों की पूजा पाठ कर लेते हैं, उनको बुरा भला मत कहो। अगर जो बुरा कहना तो सही है अपनी जगह, लेकिन अंदाज दूसरा होना चाहिए कि उनकी लाचारगी को तो आप बयान कर सकते हैं, लेकिन इस अंदाज से अगर तुमने उनको बुरा भला कहा, वो आपको वापस में आपके अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, जो चीज़ नाजायज़ है उस चीज़ के जो असबाब है वो भी नाजायज़ है, वो भी। ये फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाह, ईमान वालो वला तसुब्बु, बुरा भला मत कहो, गाली मत दे दो। वला तसुब्बुल्लज़ीना, किनको बुरा भला मत कहो, अल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह को छोड़कर जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, जिनको ये पुकारते हैं, तो अगर ऐसा किया तुमने तो क्या होगा, फयसुब्बुल्लाह, तो ये वापस में अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे। अदवन 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 बगैर इल्म, अदवन के मायने आते हैं जहालत की वजह से, किसकी वजह से, जहालत की वजह से ये अल्लाह तबारक ताला को बुरा भला कहेंगे, हद से गुजर जाएंगे, ये उदवान से, यह दुश्मन मुराद नहीं, यह अदवन है, कि इसका मतलब है कि यह हद से आगे गुजरेंगे और यह अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। अजीब मामला है, हालांकि अल्लाह तबारक ताला को तो वो भी मानते थे, किस कौन मुश्रिकीन, दूसरों को भी तो मानते थे लेकिन अल्लाह ताला को भी मानते थे, और उसको कहते थे वो बड़ा है ये छोटे हैं, लेकिन ज़िद में जब आ जाएंगे, ज़िद में आकर वो मुसलमानों के अल्लाह को क्या कहेंगे, बुरा भला कहेंगे। इससे मालूम हुआ किसी कौम के बड़े को बुरा भला नहीं करना चाहिए उनके सामने खास तौर से, इसलिए कि अगर आपने किसी कौम के बड़े को बुरा भला कहा और उनके एतबार से तो उसको बड़ा मानते हैं, क्या क्या मानते हैं उसको, तो अगर आपने ऐसा किया तो वापस में गुस्ताखी करेगा। किसी मजहबी किताब के बारे में आप बुरा भला कहेंगे तो वो कुरान पाक के बारे में गुस्ताखी करेंगे। किसी कौम के बड़े और उनके जो भी हो पेशवा और रहनुमा, जिसको वो जो भी समझते हों, रहनुमा समझते हों, अपने एतबार से उसको अवतार समझते हों, कुछ भी समझते हों, अगर आपने उसकी शान में कोई गुस्ताखी की तो पलट के पहुंचेगा और वो शान में गुस्ताखी करेगा कुरान पाक की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अम्बिया अलैहिस्सलाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसका वबाल इस पर पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, सबब तुम बन गए। इसलिए फरमाया कि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, तो बगैर इल्म में जहालत, जहालत की वजह से वो बुरा भला कहेंगे अल्लाह तबारक तआला को, ऐसा नहीं कहना। और हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, कबीरे गुनाहों में से यह भी है, बड़े बड़े गुनाहों में से यह भी गया है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे, किसको दे। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे सकता है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ उनको, मालूम हुआ कि अहले अरब भी अपने वालिदैन का एहतराम करते थे, कुफार भी, तो ताज्जुब हुआ उनको। फरमाया कि हाँ, यसुब आबर रजुल व यसुब आबा हो, फरमाया कि कोई शख्स किसी के बाप को गाली देगा तो वह वापस में उसके बाप को गाली देगा, कोई शख्स किसी की माँ को गाली देगा तो वापस में वो उसकी माँ को गाली देगा। तो इस तरह से वो अपने माँ बाप को गाली देने वाला बन जाएगा, वह अपने बेटे ने
अपनी माँ को और अपने बाप को क्या कही, गाली दे दी, क्योंकि सबब वही बन गया। अगर वो अपनी जुबान खराब न करता, दूसरे के वालदेन को बुरा भला न कहता, तो वापस में वो शख्स उसके वालदेन को बुरा भला न कहता। तो इसका ताल्लुक इसके साथ यही है कि अगर आपने उनके माबूदों को बुरा भला कहा, तो वो आपस में आकर आपके माबूदों को बुरा भला कहेंगे, इससे पाबंदी लगा दी गई। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ हमने इसी तरह से हर उम्मत के लिए उनके आमाल को मुजयन कर रखा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो आदमी जिस दीन पर है, जिस तरीके पर है, जिस मजहब पर है, उसकी निगाहों में वो तरीका खूबसूरत है, अच्छा है, उसको अच्छा समझता है। हत्ता कि कुरान पाक ने एक जगह फरमाया, कुल हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून, हर जमात जिस अकीदे पर है, जिस तौर तरीके पर है, वो खुश है, इसलिए वो समझते हैं कि हम हक पर है। तो हर शख्स का यही हाल है। तो कुफार मक्का ये भी अपने आप को हक पर समझते थे, अगर हक पर न समझते अपने आप को तो इतनी जिद वो न करते और इतने वो शरारत न करते। और मामला ये हुआ कि हजरत खालिद इब्न वलीद और हजरत अबू सुफियान, ये लोग वो हैं जो बिल्कुल कमांड करते थे लश्कर की। खालिद इब्न वलीद सब जानते हैं और हजरत अबू सुफियान सब लोग जानते हैं, तो उस वक्त वो उसी को हक समझते थे। उसके बाद जब उनको समझ में आ गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, हम गलत पर हैं, तो फिर वही लोग, वो उस वक्त भी वो सरदार थे, आगे आगे जड़ते थे लड़ने के लिए। तो मालूम क्या हुआ, मालूम हुआ कि जिस तरीके वो पहले थे, पहले वो उसको हक समझते थे, अब जब देख लिया कि हक तो है ही नहीं, हक तो इस्लाम है, अब इस्लाम में जब पहुंचे तो इस्लाम में भी आगे आगे बढ़े। हज़रत अबू सुफियान गज़वे हुनैन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो हुनैन में थोड़ा सा, जरा सा, हल्का सा उजुब आया दिल में, किस चीज को देखकर, अपनी तादाद को देखकर। इसका बयान कुरान पाक में है, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वलकद नसरकुम अल्लाह फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज अअजबतकुम कसरतकुम। अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुसलमानों, मैंने बहुत मौके पर तुम्हारी मदद की, फी मवातिन कसीर व यौम हुनैन, खास तौर से जंगे हुनैन के मौके पर, इज अअजबतकुम कसरतकुम, जब तुम्हारी कसरत ने, कि आज हम बहुत सारे हैं, उसकी वजह से तुम्हारे दिल के अंदर एक उजुब सा आ गया। यानी मतलब क्या हुआ कि आज हमसे कौन लड़ सकता है, जब हम कम थे तब भी हम जीत गए, आज तो हमारी तादाद बहुत है, 12,000 है। कितने मालूम हुआ कि 12,000 इससे पहले किसी जंग में थे ही नहीं, ये हुनैन में 12,000 थे, 10,000 तो मदीना तैयबा से आए थे और 2,000 जो नव मुस्लिम थे वो मिल गए वहाँ आस पास के इलाके के और मक्का शरीफ के। कहने लगे कि ये तो मामूली है, हमने तो पता नहीं किन किन लोगों को हराया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा ठीक है, भूल गए, बदर में तो रो रहे थे मेरे सामने, ओहद में रो रहे थे कि मदद फरमा लीजिए, आज कसरत को देखा, देख लो अभी मजा। उसके बाद जब उन्होंने तीर बरसाए, अल्लाह अकबर, तो सारा लश्कर तितर बितर हो गया, सारा लश्कर तितर बितर हो गया हुनैन के मौके पर। तो हुनैन के मौके पर सारा लश्कर तितर बितर हो गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और खच्चर पर सवार हैं। जब देखा कि सामने कोई नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हजरत अबू सुफियान उस वक्त आपके जो लगाम थामे हुए थे या रिकाब थामे हुए थे, तो आप सब ये फरमाते थे, अन्न नबियो ला कदीब, अन्न नबियो अन्न अबना अब्दुल मुत्तलिब, मैं सच्चा नबी हूँ, झूठा नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यानी नस्बत की अपने दादा की तरफ, किसकी तरफ? अन्न अबना अब्दुल मुत्तलिब। इसलिए क्या अहले अरब अपनी नस्बत बाप की तरफ भी करते थे और दादा की भी तरफ करते, मैं उनका बेटा हूँ, यानी पोते को भी बेटे के हुक्म में वो उतारते थे उस मौके पर। ये तो उस मौके पर कहा उसने अबू सुफियान ने कि मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हूँ, आप कितने बहादुर हैं। यानी इस वक्त तो सारे लोग पीछे हट रहे हैं कि तीरों की बारिश हो रही है और आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं,
आपने फरमाया अन्न नबी ला कर, मैं नबी हूँ, सच्चा नबी हूँ, नबी पीछे हटने वाला नहीं होता है। तो आप देखिए, तो वही अबू सुफियान उससे पहले तो मुश्रकिन के साथ होता था और जंगे लड़ने के लिए आमद और तैयार था, और इस वक्त अल्लाह के नबी सम की घोड़े की रिकाब थामे हुए हैं या लगाम थामे हुए हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून, हर जमात जिस तरीके पर है वो खुश है कि हम सही हैं। इसलिए फरमाया कि वकज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हर उम्मत के आमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए गए हैं, उनको खुशनुमा कर दिया गया है। मतलब तो है कि काफिर को कुफर अच्छा लगता है, मुशरिक को शिर्क अच्छा लगता है, इसे बुतपरस्त को बुतपरस्ती अच्छी लगती है। हर इस मतलब फरमाया कि इनको वो चीज़ अच्छी लगती है, बुतों की पूजा अच्छी लगती है, उनसे मोहब्बत कर लेते हैं, लेकिन आप उनको बुरा भला मत कहिए वरना वो बुरा भला कहेंगे। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया मुमिनन नास मन यत्तखिज़ मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में से बाज लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराया है। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह अकबर, वो उन माबूदों को और बुत वगैरह को, मूर्तियों को, उनके साथ ऐसी मोहब्बत कर लेते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह के साथ होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, इसका मतलब तो ये हुआ अल्लाह की मोहब्बत में तो आदमी जान भी दे देता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग उन बुतों के खातिर अपनी जान को भी दे देंगे, ऐसी मोहब्बत उनसे कर लेते हैं। फिर आगे फरमाया ईमान वाला तो इससे भी आगे है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाला तो इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला से, वो तो ना अपनी जान की परवाह करता है ना अपनी माल की परवाह कर लेता है। उसकी बात तो पहले आ गई कि अगर ये भी मोहब्बत कर लेते अपने बुतों से, अपनी मूर्तियों से, अपने माबूदों से, और ईमान वाला भी, दोस्तों फ़र्क क्या हुआ? अरे फ़र्क एक ज़रूर है, क्या कि ये लोग बदजन होते अपने माबूद से, ईमान वाला अपने अल्लाह से कभी बदजन नहीं होगा। कैसे? उनको तकलीफ पहुंचेगी, वो कहते हैं इस देवी ने तकलीफ पहुंचाई, तो बस डर की वजह से तो उसको करीब जाएंगे लेकिन दिल में नफरत रखेंगे। और अगर कोई बुराई उसकी बयान कर ले, खुश हो जाते हैं, ठीक किया इसने, बुराई बयान कर रहा है फलां माबूद की और फलां देवी और देवता की, लेकिन ईमान वाले का क्या हाल है? कितनी ही तकलीफ ईमान वाले को पहुँच जाए, कोई परेशानी, अगर उसके सामने कोई अल्लाह ताला को नाम लेकर कोई बुरा भला कहना चाहे, है खुदा इन गुरु थी, तो वैसे है मैं क्या करूँ खुदा, या उसमें किस्मत है, कहेगा नहीं कहेंगे मैं उस बना रहे शहमत, खुदा क्या करे, तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि उसको मालूम है करने वाली जात कौन है, अल्लाह है, लेकिन फिर भी कहता है ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो मेरे मुझे मेरी गुनाहों की सजा है, तुम मेरे अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हो, तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो फरमाया कि ईमान वाला अगर तकलीफ में भी होगा वो अल्लाह ताला से बदन होगा ही नहीं। और अजीब मामला तो ये है, जितनी तकलीफ पहुंची है फिर कहते हैं शुक्र शुक्र बजन खुदा सुकुन ज्यादा पान मुसीबत आ लिखी, उधर शुक्र कर रहा है ना, मसल कोई जख्मी हो गया, उसका पैर जख्मी हो गया, तब नहास परवरदिगार एहसान मेहरबानी मगर कल बचो कल, तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी का तज़किरा करता है, उसके एहसान का, गोया अल्लाह ताला ने वाकई उसके ऊपर क्या किया है, एहसान किया, मेहरबानी की है। हालांकि ये भी मालूम है कि ये चोट तो अल्लाह के हुक्म से ही तो लगी। तो इसलिए फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाले को जो मोहब्बत है अल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो यह फरमाया कि लिहाजा इनके साथ छोड़ो इनको, वारिद इन मुशरिकीन, इनके पीछे मत पड़ो। अब मामला क्या होगा, रहने दो, दुनिया के चंद दिन तो हैं, उसके बाद क्या होगा, ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ, उसके बाद إِلَىٰ رَبِّهِمْ, उनके रब के जानिब, उनके रब की तरफ सब का मर्जा है, लौट कर आना है अल्लाह के सामने, सब लौट कर पहुंचेंगे अल्लाह ताला के सामने। फिर क्या होगा, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, अल्लाह तबारक ताला उनको बता देगा, जतला देगा जो वो अमल करते थे, सब बता दिया जाएगा, तुम क्या क्या करते थे, सिर्फ बताया नहीं जाएगा दिखाया जाएगा। यौमईज़ी यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ आमालहुम, कुरान पाक ने फरमाया वो अलग अलग ग्रुपों में लाए जाएंगे और उनके आओ देखो अपने आमाल, बाकायदा कैस्टें सामने होंगी और अपने आमाल को देख लेंगे क्या क्या आमाल तुमने किए हैं। इस तरह से नाम आमाल कई तरह होंगे, यानी बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होगी और ज़मीन भी गवाही देगी, उसके हाथ पैर भी गवाही देंगे, फरिश्ते गवाही देंगे। नामे आमाल को देखकर
अफसोस करके अपने माथे को पीटेगा। माली हाजिर किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा, हाय अफसोस ये किताब कैसी है, न छोटी कोई चीज इसने छोड़ी है न कोई बड़ी चीज। जब छोटी नहीं छोड़ी तो बड़ी कैसे छोड़ेगा, इल्ला आसा, सब रिकॉर्ड किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते फिर मैं बता दूंगा उनको उनके आमाल। आमाल बताने सिर्फ बताना मुराद नहीं है, मुराद है उसके ऊपर जजाओ सजा देना। जजाओ नेक आमाल किए हैं तो उसकी जजा मिलेगी, उसका सवाब मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। बुरे आमाल किए हैं और उसकी सजा मिलेगी। वो अक्समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, यहां से अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि कुफार मक्का ने एक मतलब कसमें खाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर, बहुत जोरदार कसम। वह अक्समू बिल्लाह के माने अल्लाह की कसम खा लेना, लेकिन जब उसके साथ आएगा जहदा ईमानिहिम, इसका मतलब तो यह है उन्होंने अपने कसमों को मजबूत किया। क्या किया जी, बहुत मजबूत कसमें खाई उन्होंने, बहुत खूब जोर लगाकर कसमें खाई उन्होंने। वो कसमें क्या थी, वो कसमें ये थी लेइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा, अगर आप मौजजा लाएंगे, मौजजा दिखाएंगे, हम जरूर ईमान लाएंगे। क्या फरमाते हैं तो तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से ईमान लाने के बारे में बात की, तो वो कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी थी, यूं मारा चट्टान के ऊपर तो 12 चश्मे निकले, और यूं मारा समंदर के ऊपर तो 12 रास्ते बन गए, और इस तरह से मन और सलवा उनके पास आता था। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप ये कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को अच्छा करते थे, तो ये तो खुद आप बता रहे हैं कि इन उनको ऐसे मौजज़े थे, आपने ऐसा कोई मौजज़ा दिखाया तो है नहीं। और अगर आप हमारी फरमाइश के मुताबिक एक मौजज़ा जाहिर करेंगे तो हम ज़रूर ईमान लाएंगे। तो आपने फरमाया कि बताओ कौन सा मौजज़ा, हाँ ये भी बताया कि आपने ये भी बताया कि कौम समूद के लिए एक ऊँटनी जाहिर की गई, हाँ फिर बिल्कुल ताकि एक मौजज़ा ले आइए, ये जो सफ़ा पहाड़ है ये सोना बना दीजिए, बस सोना बन जाएगा, सब लोग आके देख लेंगे और कुछ इसमें से इस्तेमाल भी करेंगे, सारे लोग ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अगर ऐसा होगा तुम तस्दीक करोगे, मुझे नबी मानोगे, आखिरत पर ईमान लाओगे, उन्होंने कहा बिल्कुल ज़रूर आपकी इत्तिबा करेंगे। उसके बाद आपने दुआ मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह सफ़ा को सोने का बना दीजिए, सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दीजिए, ये लोग ईमान लाएंगे, इत्तिबा करेंगे, इस्लाम फैलेगा, मुखालफतें सब खत्म हो जाएंगी, उम्मत को नफ़ा होगा। तो वहाँ से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ फरमा ली, तो अब दो सूरतों में से एक है, जो आप पसंद करेंगे वो होगा। आपने फरमाया क्या, कहा कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं हम सोना बना देंगे इसको, लेकिन अगर इन लोगों ने इनकार कर लिया हम इनको उसी वक्त मिटा के रख देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, ताहु बाला करके रख देंगे इनको, एक शक्ल तो ये, दूसरी शक्ल ये, इनको रहने दो, इनको शायद ये आहिस्ता आहिस्ता तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो आप दो सूरतों में जो सूरत आप इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं आपका इख्तियार है, कौन सी सूरत इख्तियार करनी है। अगर ये सोना अभी सोना बन जाएगा सेकेंडों में, फौरन ये लोग देख लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे, इसी वक्त इसी मौके पर अजाब आएगा और इनके अंदर एक भी नहीं रहेगा, और अल्लाह का अजाब होगा बहुत खतरनाक, इबरतनाक अजाब। दूसरी शक्ल यही है, इनको छोड़ दो अपने हाल पर, ये कहेंगे देखिए आपने तो हमारा मुतालबा पूरा किया नहीं, हम भी नहीं मानेंगे, इनको ऐसे छोड़ दो शायद आइंदा जाकर ये लोग क्या कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। तो ये फरमाया तो आपने दूसरी सूरत इख्तियार कर ली, कौन सी वाली, आपने फरमाया ठीक है फिर सोना ना बने, कौन सफा, बस दूसरी सूरत इख्तियार कर ली। आपने फरमाया कि भाई ये तो सोने का नहीं बनेगा, उन्होंने कहा फिर हम लोग भी ईमान नहीं लाएंगे, मुतालबा ही नहीं पूरा नहीं किया आपने। आप उस सूरत को इख्तियार करते थे जिस सूरत में उम्मत का क्या होता था, नफा होता था, फौरन अजाब आ जाए, कोई गुस्सा निकालना मकसद नहीं था। और यही हाल वहाँ है बदर के मौके के पास पर, जो 70 कुफार को उन्होंने लाया था पकड़ के, 70 तो मारे गए, अब उन 70 के बारे में मशवरा हुआ क्या करना चाहिए, सहाबा किराम ने मशवरा दे दिया,
तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया 70 को खत्म कर देंगे ताकि जड़ कट जाए कुफर की। हजरत अबूबकर सिद्दीक ने मशवरा दे दिया कि इनको छोड़ दिया जाए, शायद ये कलमा पढ़ ले। तो आपने पहले ही फरमाया था अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, अबू बकर तो बहुत रहम दिल है, वह अशद फी अमरिल्लाह उमर, हजरत उमर फारूक तो अल्लाह के मामले में बहुत सख्त थे। तो उस मौके पर आपने जो इख्तियार कर लिया इनको छोड़ देंगे इनको, तो फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ताकि अगर इनको छोड़ दिया आपने 70 के बदले में 70 देने पड़ेंगे, 70 के बदले में अगले साल। हाँ अलबत्त ये बात है जो 70 देने पड़ेंगे वो तो जन्नत में जाना ही है, उनको शहीद हो जाएंगे। अलबत्त ये जो 70 हैं इस वक्त अगर आपने छोड़ दिया इसमें अक्सर ईमान लाएंगे, इसमें अक्सर अक्सर कोई कोई कुफर पर मरेगा। आपने इसी शिख को इख्तियार किया, कहा बेहतर तो है हम 70 दे दें, जन्नत पे तो वो भी जाएंगे और इनमें इतने लोग ईमान कबूल कर लेंगे, दोजख से बच जाएंगे। इसलिए आपने वो शिख इख्तियार कर ली कि उनको छोड़ दिया गया उन 70 कुफार को, बाद में उनमें से बहुत सारे ईमान उन्हें कबूल कर लिया। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है, आपने फरमाया कि ठीक है मैं इनको इसी हाल में छोड़ देता हूँ, चाहे इसमें देर ही लग जाए और ये मेरी तकजीब इस वक्त कर लें तो मुझे कहेंगे कि देखिए आप तो ये मौजा नहीं लाए। इसलिए फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने क्या, वह अक्समू बिल्लाही जहद ईमानिहिम, और उन्हें कस्में खाई कुफार ने जहद ईमानिहिम, और अपने कसम को बहुत मजबूत बनाया अल्लाह की कसम के साथ। अहले अरब जब ज़बरदस्त कसम खा देते अल्लाह का नाम उसमें साथ लेते थे, क्या कसम खाई, लेइन जाअतहुम, और अगर आए उनके पास आयतुन कोई निशानी और कोई मौजज़ा तो लयुमिनुन्ना बिहा, ज़रूर भी ज़रूर उस पर ईमान लाएंगे। आप उनको जवाब में कह दीजिए मौजा जाहिर करना मेरे हाथ में, कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, आप फरमा दीजिए कि निशानियों का जाहिर करना ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ से तो जाहिर हो सकता है लेकिन ये किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। मालूमा कि मौजजात और करामात ये फैल खुदाबंदी है और जाहिर होता है किसी के हाथ पर। फरमाया कि आप फरमा दीजिए आयात और निशानियों का जाहिर करना ये इंदल्ला अल्लाह के पास है, अल्लाह की तरफ से है। हमा युश इरुकुम, आप मुसलमानों की तो बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह से ऐसा हो जाए कि हजरत हो जाए ऐसा सोने का बन जाएगा, क्योंकि उनको यकीन था ये तो मामूली बात है अल्लाह ताला के नज़दीक सोने का पहाड़ बना देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों को हमा युश इरुकुम, ईमान वालों आपको कौन बताएगा, आपको क्या खबर है, अन्नाइदा जात, जब वह मौजा वक्त पजीर हो जाएगा ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे, आपको क्या खबर है ये इनकार करेंगे। क्यों, वनुकल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम उलटते पुलटते हैं इनके दिलों को और इनकी आंखों को, इनकी आंखों को पलटने का मतलब है इतना बड़ा मौजज़ा देखते हैं फिर भी कहते हैं हाज़ा सिहरुन मुबीन, ये तो जादू है। दिलों को पलटने का मतलब यह है कि ईमान का नूर उनके दिलों में आ जाता है लेकिन जब पलट दिया तो उसमें कुछ भी नहीं रहा। और यह लिखा है कुरान पाक में भी, आगे उसकी तशरीह आएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनाफिकीन भी होते थे और सहाबा भी, आप कोई इरशाद फरमाते थे, कोई सूरत सुनाते थे, कोई और नसीहत फरमाते थे, मजलिस बरखास्त होती थी, उसके बाद जब बाहर निकलते थे तो मुसलमानों को तो याद रहती थी वो नसीहतें और मुनाफिकीन भूल जाते थे। तो कुरान पाक में मुनाफिकीन मुसलमानों से पूछते थे माजा काल आनिफा, कि हजरत ने जो अभी तकरीर कर ली वो क्या तकरीर थी मैं भूल गया मैं, तो ये तो लिखा है और उलमाए किराम ने उसकी वजह भी लिखी है ख़ासतौर से आरिफीन ने, उसकी वजह यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ नसीहत फरमाते थे तो अनवारात निकलते क्या निकलते थे जी, कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो नूर खुदावंदी, और अगर खुद इरशाद फरमाएंगे तो नूर मोहम्मद, उसमें वो जाके कानों में चला जाती थी वो आवाज़ और दिलों में जाती थी वो अनवारात के साथ लेकर वो मजामीन। अब वो दिलों में बैठेंगे या वापस निकलेंगे, फरमाएं कि अगर दिलों में ईमान है, अगर दिलों में चूंकि इन अनवारात का ताल्लुक ईमान के साथ है तो ये अनवारात जाके दिल में बैठ जाते थे और वहाँ अपनी जगह पा लेते थे कि हमारे लिए यहाँ जगह है कोई गैर यहाँ बैठा हुआ, और अगर वो चले गए कानों के रास्ते से आवाज़ आ गई और अनवारात वरका दिल में आ गए तो जब देखेंगे कि दिल में तो ईमान है नहीं, दिल में तो कुफर भरा हुआ है, ये तो निफाक है, यहाँ मुनाफिकीन है, और वो अनवारात देखते थे हमारे बैठने की जगह यहाँ है नहीं, क्यों, इसलिए कि जगह गंदी है तो गंदी जगह पर कोई नहीं बैठता,
गंदी जगह पर तो गंदा ही बैठेगा ना। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात व तय्यिबातु लित तय्यिबीन व तय्यिबून लित तय्यिबात। तो ये तय्यिब कलाम जो जाता था उनके कानों में और दिलों में जाता था, ये थोड़ी देर के बाद जब देखता था यहाँ मेरे लिए जगह नहीं है, वापस निकल आता था। तो वो सारे मजामीन वहाँ हो जाते थे, इसलिए वो सारे मजामीन वहाँ ठहरते नहीं थे। हाँ, तो यहाँ फरमाया हम उनके दिलों को उलटते हैं, हम उनकी आंखों को पलटते हैं। तो ईमान वाला उसको देख लेता है तो ईमान में ज़्यादती होती है। वही तुतला अलैहिम आयातुना, जब आयतें उनके सामने पड़ी जाती हैं तो ज़्यादा तुम ईमाना, ईमान वाले का ईमान ज़्यादा होता था। और कुफार के माने फरमाया वही तुतला आयातुना काला असातीर अवलीन, कहते थे पुरानी ज़माने की कहानियाँ सुना रहे हैं ये, इसलिए फरमाया हम उनकी आँखों को और अपने दिलों को उलट पुलट देंगे। कैसे? कमालम यूमिनु बिही अव्वल मर्रा, क्योंकि पहली मर्तबा जब उनके पास ईमान की दावत आ चुकी थी उस वक्त उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, इसलिए हम उल्टे पुलटेंगे उनके कानों को, उनके आंखों को, दिलों को। वह नजर हूँ, और हम छोड़ देंगे उन्हें फी तुग्यानिहिम यामहून, अपनी सरकशी में उनको छोड़े रखेंगे और उसी में भटकते रहेंगे, फिर आकर जाकर उनको अजाब कर लेंगे। और ये जो वनुकल्ली व अफिदत उम है, इसकी शरह बहुत लिखी है। दुनिया में यह है कि हक नज़र नहीं आया, दिलों ने कबूल नहीं किया, और आखिरत में आग आएगी, उनकी आंखों को उल्टेगी पलटेगी। अभी जला दिया अभी ठीक हो गई, अभी जल गई अभी ठीक हो गई, और दिल अभी जले अभी ठीक हो गए, इधर उधर होया आग की वजह से, आग की लिपटें आएंगी, दिल को यूं उठा लेगा और यूं कर लेगी। और ये कुरान पाक में भी है, वैलुल लिकुल्ली में है, उसके आखिर नारुल्लाहिल मुकदतुल्लती तत्तलु अलल अफिदा। दुनिया की आग जब आदमी को लग जाती है तो दिल तक पहुंचने से पहले आदमी मर जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत की आग इतनी तेज जाएगी, दिलों को जला डालेगी, आदमी मरेगा भी नहीं, अजाब में रहेगा। तो यह फरमाया, तो दुनिया में तो यह है उनकी निगाहों को उलटना पुलटना कि उनको हक नज़र नहीं आया, मौजज़ात को देख कर देखने के बावजूद वो चिल्लाते रहे ये तो शहर है ये तो शहर है। और आखिरत में उनके लिए क्या होगा? उनके दिलों को जला दिया जाएगा। एक हदीस में कि 70,000 मतलब जला दिया जाए एक दिन में, इसमें एक एक दिन में। तो फरमाया कि और वजूह यौमइज़िन ख़ाशिया, और उनके चेहरे भी झुके हुए होंगे, आमिलतुन नासिबा, बहुत थके हारे होंगे, जैसे किसी आदमी को बेगार में लिया जाता है, बहुत बोझ उसके ऊपर रख दिया जाता है और उधर से पिटाई की जाती है तो थका मारा होता है। तो आखिरत में ये थके मारे होंगे क्योंकि दुनिया में इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो ये फरमाया कि वनुकल्लिबु अफ़इदतहुम, हम उलट पुलट करेंगे उनके दिलों को। अफ़इदा दिल को कहते हैं, कल्ब भी दिल को कहते हैं। वह अबसारहुम, उनकी निगाहों को, कमा लम युमिनु बिही, जैसे उन्होंने इस कलाम पर ईमान नहीं लाया, अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा। क्या उनसे कहा जाएगा? अफ़सीरुन हादा अंतुम ला तुबसिरून, क्या ये जादू है, ये जहन्नम, या तुम्हें अब भी दिखाई नहीं दे रहा है? यानी जिस चीज़ का तुम इनकार कर रहे थे उसी से साबित का पड़ा। वनज़रहुम, और हम छोड़ेंगे उन्हें, फी तुग्यानिहिम, उनकी सरकशी में, या महून, उनमें भटकते रहेंगे। ये सातवां पारा ख़त्म हो गया और सूरत भी ख़त्म नहीं हुई।